दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जस्टिन बीबर ने अपने आंखों का फोटो डाला था और कहा था कि उनकी एक आंख लाल हो गई है और उनको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। तो इस वक्त दोस्तों कंजंक्टिवाइटिस एक टॉपिक वो बहुत ही वायरल टॉपिक हो गया था, इसलिए दोस्तों डॉक्टर जोशुआ स्टाइन जो कि एक बहुत बड़े ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और केलॉग आई सेंटर के, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था कि कंजंक्टिवाइटिस ज्यादातर दोस्तों वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है। ऐसे में वायरल कंजंक्टिवाइटिस में किसी भी तरह की दवाई की जरूरत नहीं होती। तो उन्होंने लोगों को ये वार्न किया कि प्लीज आप बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के दवाई की दुकान में जाके आप किसी भी तरह के एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स इस्तेमाल मत कीजिए, खास करके वायरल कंजंक्टिवाइटिस में, क्योंकि अगर आपने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए तो हो सकता है कि आपकी आंखों को ज्यादा तकलीफ हो। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको वायरल कंजंक्टिवाइटिस है तो उस वक्त आपको सिर्फ स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, आपके हाथ साफ रखने चाहिए और प्रिवेंट करना चाहिए कि आपकी आंखों में किसी भी तरह का कचरा ना जाए। तो ऐसे में दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस क्या है और बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस क्या है? तो दोस्तों अगर आपकी आंखें काफी दर्द कर रही है, आपको बुखार है और आपकी आंखों में से एक पीले कलर का पस जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि शायद आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है। तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक भी कीजिए।